जमैका के राष्ट्रपति के कोरोना पॉजिटिव आने तो बाद उन्होंने शुक्रवार शाम वॉल्टर रिवर मिलिट्री अस्पताल भर्ती करवा दिया गया। यही नहीं, ट्रंप ने अपने सही सलामत होने की जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट तो एक वीडियो शेयर करके भी दी है। ट्रंप के अस्पताल दाखिल होने तो बाद उन्होंने कैंपेन मैनेजर का कहना है कि राष्ट्रपति चोणों को लेकर या तो उन्होंने कार्यक्रम मुलतवी किए जाएंगे या फिर वर्चुअली आयोजित किए जाएंगे। उते ही हुण दूजे पासे डोनाल्ड ट्रंप ते उपराष्ट्रपति माइक पेंस अलग अलग जगह तो अपने अपने कम्मा दियां जिम्मेवारियां निभाउणगे। ए फैसला ट्रंप दे कोरोना संक्रमित होण तो बाद लिया गया है। व्हाइट हाउस दे एक अधिकारी ने दस्या है कि उपराष्ट्रपति ते राष्ट्रपति ट्रंप अलग अलग जगह ते रहणगे क्योंकि ट्रंप की हालत गंभीर होण दी स्थिति विच माइक पेंस नूं सारा नियंत्रण अपने हत्थां विच लैणा पवेगा। उते ही जेकर ट्रंप बीमार पैंदे ने तां ओह अमरीकी संविधान के 25वें संशोधन तहत पेंस नूं अस्थाई तौर पर राष्ट्रपति शक्तियां दे देंगे। फिलहाल राष्ट्रपति अपना काम आप ही देख रहे हैं। अधिकारी ने दस्या कि सानू सावधानी बरतन की फिर भी जरूरत है, इसलिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नूं वख-वख रखा गया है। इस नाल ही अधिकारी ने चुनावी तैयारियों नूं लैके भी चिंता जाहिर की है ते कहा है कि राष्ट्रपति चोणां नूं हुण कुछ ही दिन बचे हुए ने। दूजे पासे राष्ट्रपति ट्रंप नूं अपनियां चुनावी रैलियां भी रद्द करनियां पै रहियां ने। उते दूजे पासे उपराष्ट्रपति दे दफ्तर ने इस बारे कोई भी जानकारी देने तो साफ मना कर दिता है, पर डेविन ओमैली ने ट्वीट करके दस्या है कि पेंस ते उन्हां दी पत्नी दी कोरोना रिपोर्ट नैगेटिव आई है। राष्ट्रपति ट्रंप दे चोणां तो ठीक एक महीना पहला अस्पताल च भर्ती होना उन्हां दी आउण वालियां राष्ट्रपति चोणां ते बुरा प्रभाव पा सकदा है। हुण देखना होवेगा कि वड्डे वड्डे दावे करन वाले ट्रंप इन्हां हालातां च अमरीका दे चुनावी माहौल नूं की रंग देणगे। होर ताज़ातरीन अपडेट्स दे लई तुसीं देखदे रहो D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो।